अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो आप बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हैं। आसान इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन के लिए एक बेस्ट प्लान सर्च करते हैं। तो बेस्ट इंटरनेट प्लान सर्च करने के लिए या तो फिर हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं और शॉप वाले से पूछते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के कौन कौन से इंटरनेट प्लान अवेलेबल है, या फिर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के हम अवेलेबल इंटरनेट प्लान के बारे में सर्च करते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, क्योंकि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से आप जिस भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं उस कंपनी के बेस्ट इंटरनेट प्लान सर्च कर सकते हैं और अपना जो मोबाइल फोन है वो रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के लिए एक बेस्ट इंटरनेट प्लान आईपीपीबी की ऐप की मदद से सर्च कर सकते हैं और आईपीपीबी की ऐप की मदद से किस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आप किस तरीके से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर पे बिल की एक ऑप्शन मिल जाती है, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप पे बिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पर आपको जो सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल प्रीपेड एंड पोस्टपेड, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि हमने यहाँ पर प्रीपेड रिचार्ज करना है या फिर पोस्टपेड बिल पेमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पर प्रीपेड रिचार्ज करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपेड के ऊपर क्लिक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये जो ऐप है ये अपने आप फेच कर लेगी कि ये मोबाइल नंबर किस कंपनी का है। इसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट के साथ ही आपको ब्राउज प्लान की एक ऑप्शन मिल रही है। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जियो की सिम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जियो के जितने भी प्लान है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल रही है आईएसटी पैक, जियो फोन, और इसके बाद अगर आप और भी प्लान चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एरो की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी की जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको नॉन प्राइम प्लान और प्राइम प्लान भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो क्योंकि मैं जियो का प्राइम मेंबर हूँ तो यहाँ पर मैं प्राइम रिचार्ज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जियो के सारे प्लान यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर इस साइड पर आपको प्लान की डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी, यहाँ पर इस साइड पर आपको प्लान की वैलिडिटी दिखाई देगी, और इस साइड पर आपको यहाँ पर रिचार्ज अमाउंट दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला प्लान है वो है 1.5 GB का, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 84 डेज की है। इसकी जो अमाउंट है 555 रुपीज़ है। तो दोस्तों इस लिस्ट से आप अपने मोबाइल फोन के लिए एक बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं और रिचार्ज अपना जो है कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लान चूज कर लिया है, मैंने ये वाला 3 GB ये डे वाला प्लान चूज किया है। इसकी वैलिडिटी 84 डेज है और इसकी जो रिचार्ज अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। तो चलिए मैं इसको रिचार्ज कर लेता हूँ। रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी अमाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसकी अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो दिखाई देगी। इसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो आईपीपीबी का अकाउंट है वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैंने आईपीपीबी का अपना अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिचार्ज का बटन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आपको आपकी पेमेंट अमाउंट दिखाई देगी और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना जो अकाउंट वो दिखाई देगा और नीचे एक बटन बना है जहाँ पर लिखा है कंफर्म एंड पे। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज सेंड किया जाएगा, उसको आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी सेविंग स्कीम्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है और उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।